नमस्ते दोस्तों, जैसे कि आज सुबह से बहुत सारा रिटेलर का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम है इसमें उसमें जो हम लोग का पासवर्ड था वो पासवर्ड चेंज करने पड़ रहा है हर एक रिटेलर का, तो उसके बाद से उसका पोर्टल चालू हो जा रहा है। लेकिन बहुत सारा रिटेलर अभी तक तो कर चुका है, लेकिन बहुत सारा रिटेलर अभी तक कर नहीं पाया है। ठीक है, जो कर नहीं पा रहा है तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना दे रहा हूँ, तो इस को देख के एक बार वो ट्राई करे या तो मुझे कॉल करे, मैं उसको बोल दूंगा कैसे करके करना पड़ेगा। तो फर्स्ट मुझे जाना है रैपीपे का पोर्टल पे। तो पोर्टल में जाने के बाद में यहाँ पर जो दो ऑप्शन आता है, लॉगिंग आरएमएन और लॉगिंग पिन। जब पहले तो लॉगिंग पिन देके सब कोई रिटेलर चालू हो जाता रहा, लेकिन इसमें ही चालू होगा। लेकिन ये फर्स्ट मुझे अब फिर से एक बार लॉगिंग पासवर्ड मेरा चेंज करना पड़ेगा। पासवर्ड कैसे चेंज होगा, लॉगिंग आरएमएन में एक क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद में फॉरगॉट पासवर्ड का एक ऑप्शन आता है, तो फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद में वहाँ पर उसका मोबाइल नंबर दिया जाएगा जो आरएमएन नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। उसके बाद कीप इन ऑप्शन है, इसको ऑप्शनल है, वो नहीं देने से भी होगा। फिर इसका पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर जो भी है वहाँ पर पैन कार्ड नंबर देने पड़ेगा। चलिए पैन कार्ड नंबर हमने दे दिए। इसके बाद में यहाँ पर बोल रहा है वैलिड ट्रांजेक्शन पिन, यानी यहाँ पर पिन दिया हुआ है। ठीक है, तो पिन मैं दे सकता हूँ, तो ये रिटेलर का पिन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसके लिए वैलिड पिन मांग रहा है, तो पिन भी एक बार चेंज करने पड़ेगा। तो चलिए एक पिन सेट हो गया है। पिन अभी यहाँ पर एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी जैसे मैंने दे दिया 4913444 अभी जैसे पासवर्ड मुझे कैसे बनाना है, मैं एक बार इसको खोल के दिखा देना हूँ पासवर्ड कैसे होगा। पासवर्ड कुछ नहीं है, पासवर्ड नॉर्मली जैसे 4 कैरेक्टर देके पासवर्ड बनाने पड़ता है, किसी का भी नाम दे सकता है, डेट ऑफ बर्थ दे सकता है। ठीक है, तो मैं सिंपल से पासवर्ड बना रहा हूँ, जैसे रैपीपे एट द रेट 123। फिर से एक बार हो गया, ये टाइमिंग है, टाइमिंग का अंदर में करने पड़ता है सबमिट। देखिए मेरा रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग सक्सेसफुली, मेरा पासवर्ड अभी सेट हो गया। तो अभी मैं फिर से आरएमएन में आ गया, आरएमएन में अभी मेरा जो नंबर है दे दिया। उसके बाद में अभी जो मैं पासवर्ड, जो पासवर्ड मैंने बनाया आर कैपिटल में, बाद बाकी स्मॉल, आर कैपिटल में था, बाद बाकी स्मॉल लेटर में था, ये दोनों मिला के 2 कैरेक्टर हो गया, एक बड़ा एक छोटा। एट द रेट हो गया 3 कैरेक्टर, जो भी नंबर दे दिया 4 कैरेक्टर देकर बनाने के लॉग। फिर से ओटीपी आएगा, कोई भी पिन दे दिया मैंने, सबमिट। देखिए यहाँ पर पिन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली यू वेंट 1 2 4 4 6, तो इसमें मैंने क्लिक कर दिया। अभी मैंने पिन जैसे क्लिक करने से ही 1 2 3 4 5 6 करने से ये चालू हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही है। तो सब कोई ट्राई कीजिए, कोई प्रॉब्लम होने से मुझे एक बार कॉल कीजिए।